हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राखी टेरिस गार्डन। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मधुमालती के बारे में। ये मेरे गार्डन में देसी मधुमालती लगी हुई है। मधुमालती कई तरीके की आती है, जैसे मिनिएचर मधुमालती, जैसे आप जैसे प्लांट की तरह अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उस मधुमालती को खरीदिए आप। उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और ये देसी मधुमालती है। ये देखिए आप, इसकी ग्रोथ देखिए आप कितनी अच्छी हो रही है। तो इसको पॉट में बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। मधुमालती को एक वाइन की तरह होती है, आप देखिए बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं इसमें। और मधुमालती को झुमका बेल भी बोला जाता है। झुमका बेल क्यों बोलते हैं, देखिए आप ये ना इस तरह से इसके जो सारे फ्लावर्स हैं वो इस तरह से फॉल करते हैं नीचे की तरफ, तो इसको झुमका बेल भी बोला जाता है। और एक ये जो फ्लावर है ये तीन कलर चेंज करता है। आप देखिए इसी एक ही बंच में, आप देखिए ये जैसे एक वाइट जब ये खिलता है तो, फिर लाइट पिंक और उसके बाद ये डार्क पिंक। अभी ये रेड कलर की भी हो जाएगा, ये फ्लावर थोड़ा सा डार्क और हो जाएगा, तो तीन शेड चेंज करता है ये फ्लावर। अगर हम इसके केयर की बात करें तो ये बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस दो चार बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी, नहीं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये मेरा एक साल का प्लांट है। जब मैं इसको लेके आई तो ये छोटा सा प्लांट था इतना, तब मैंने इसको 10 इंच का पॉट दिया था और नेक्स्ट ईयर मैंने इसको 16 इंच का पॉट दिया है। आप देखिए 16 इंच का पॉट है। जैसे कि आपको हर साल इसको शिफ्ट करना है तो थोड़ा सा बड़ा अगर आप पॉट देते जाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत फ्लावर्स देता है। हर साल आपको फ्लावरिंग देता रहेगा ये, और बहुत इजी टू केयर है। मैंने बहुत आसानी से अपने गार्डन में ग्रो की हुई है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, जो ये जो फ्लावर्स आते हैं आप देखिए एक ही स्टेम पे दो जगह फ्लावर आए हुए हैं, बीच बीच में जहाँ से लीव्स निकलती है वहीं से फ्लावर आते हैं। आप देखिए एक ये देखिए यहाँ पर भी कली आई हुई है, यहाँ पे भी कली आई हुई है। जहाँ से पत्तियाँ शुरू होती है नई निकलनी वहीं से कली निकलती है इसकी। और ये सन लविंग प्लांट है, इसको अगर आप पूरे दिन भी धूप में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह चलता है, अगर पूरे दिन इसको धूप में रखा जाए तो। ये देखिए आप, और अगर इसके पानी की बात करें, इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आप देखिए अगर आप इसको पानी कम देंगे किसी भी दिन तो देखिए इसकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली होने लगती हैं। ये देखिए आप पीली होने लगती हैं, तो इसको पानी बहुत पसंद है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, आप इसको डेली पानी दीजिए। और इसकी सॉइल की बात करें, वेल ड्रेंड सॉइल बनाइए आप इसकी। सॉइल हर प्लांट की वेल ड्रेंड होनी चाहिए, क्योंकि अगर सॉइल में पानी रुकेगा तो जो इस वो प्लांट है वो ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाता है। हमारे प्लांट ज़्यादातर ज़्यादा पानी से ही ख़राब होते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि ओवर वाटरिंग कभी भी किसी प्लांट में भी ना करें, कभी भी। और अगर हम बात करें इसके फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप इसको सरसों की खली का फर्टिलाइज़र दीजिए, बहुत पसंद होता है इसको। जैसे कि फ्लावर्स ज़्यादा चाहिए आपको, क्योंकि हम प्लांट्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं। तो फ्लावर्स वाले प्लांट्स के लिए सरसों की खली बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। और गोबर का फर्टिलाइज़र दीजिए आप इसको, ऑर्गेनिक में आप यही दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूं आपको केमिकल फर्टिलाइज़र की, तो आप इसको डीएपी दे सकते हैं। डीएपी के जो दाने होते हैं, जैसे कि 16 इंच का पॉट है तो 6-7 दाने से ज़्यादा आप किसी भी प्लांट को ना दें, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उससे हमारे प्लांट ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए मैं अपने सभी प्लांट्स में मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ, ताकि अगर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्लावर्स देखिए आप कितने खूबसूरत हैं, और जो इसके फ्लावर्स होते हैं ना, रात में बहुत अच्छी खुशबू आती है इन फ्लावर्स में, भीनी भीनी खुशबू आती है। ये देखिए, और ये कई तरीके की वाइन आती है मधुमालती, जैसे कि लीव सबकी सेम मिलेंगी आपको, जो फ्लावर के डिज़ाइन है वो आपको चेंज मिलेंगे। ये देसी मधुमालती है और ये बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रही है मेरे गार्डन में। आप भी ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए, और समर्स में बहुत सारे फूल मिलते हैं इसमें। ये देखिए कितने सारे बंच खिले हुए हैं एक ही प्लांट में,
तो पॉट में भी आप बहुत आसानी से प्लांट्स लगा सकते हैं, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो प्लांट्स लगाने के लिए, तो पॉट में भी ग्रो कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यही कुछ बातें थी, जैसे कि मैं अपने मधुमालती के प्लांट की केयर करती हूँ, आप भी कीजिए, बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।